पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट भवन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात कहा कि 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हमें अपने गौरवशाली संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का सुअवसर प्रदान करता है। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे प्राचीन देश भारत ने संपूर्ण विश्व को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली देने का अभिनव कार्य किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट कर्मियों को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने का आह्वान करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमें ये विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं और हमें अपनी कमियों को भविष्य में किस प्रकार दूर कर संवैधानिक कर्तव्यों का सही मायनों में अनुसरण करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें अपने लोकतांत्रिक देश में बंधुता एवं सामाजिक समरसता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करना है। मित्रों, जब रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को जब तिरंगा झंडा फहराया गया था, उस वक्त हालांकि भारत गुलाम था, लेकिन हमारे देश के अग्रणी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब 15 अगस्त 1947 को हम जब आजाद हुए, राष्ट्र तो बन गया, लेकिन राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, उसमें कौन कौन से सिद्धांत होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे सबके, ये निर्धारित करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 6 दिन की मेहनत के बाद हमारी संविधान प्रारूप समिति ने अपना एक संविधान का हमारे सामने रखा और फिर उसके प्रीएम्बल में हमने अभी आपने पढ़ा, जैसा कि डीएम साहब ने शपथ दिलाई थी, हमने उस संविधान को आत्मार्पित किया। गणमान्य नागरिकगण, जो सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये अवसर हम लोगों को गर्व करने का है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो एक ऐसा देश ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए थे जिसके पास अपने संसाधन नहीं थे, व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आम जनमानस बिल्कुल असहज स्थिति में था। लेकिन धन्यवाद मैं दूंगा इस देश की जनता को, धन्यवाद दूंगा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने निरंतर अपने प्रयास से इस देश को आज विकास की ऊंचाइयों की तरफ लगातार ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ के आम जनमानस का योगदान रहा है कि जब आपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना तो आपने पूरे अपने विवेक का परिचय दिया और देश को आगे ले जाने में आप लोगों ने सबने योगदान दिया। हम देखते हैं, अगर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी ब्रिटिशर्स की सदी थी। ये कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी यूएसए की रही है, अमेरिका ने जो चाहा जैसे चाहा पूरे विश्व को घुमाया। और जिस तरह से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जिस तरह से हमारे पास युवा शक्ति है आज की डेट में, मेरा विश्वास है कि अगले 2 सदियां हिंदुस्तान की होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सदी ऐसी होगी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व पर राज करेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।